हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। बाढ़ में शहर भर में आवारा पशुओं का हर जगह जमकर लगा रहता है और कई बार आवारा पशुओं के लड़ने से कई लोग उनकी चपेट में भी आ जाते हैं और उन्हें जख्मी भी होना पड़ता है। आवारा पशुओं के मामले में कई दफा शिकायतों के बाद भी नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसको लेकर आमजन परेशान है। शहर में व्यस्ततम चौराहे अहिंसा सर्कल स्थित भी आज ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां दो आवारा सांड करीब आधे घंटे तक लड़ते रहे, जिसे यातायात भी बाधित हुआ और आने जाने वाले राहगीरों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा। वहीं सांडों के लड़ने से कुछ वाहनों को भी नुकसान हुआ। इस दौरान लोगों ने दो सांडों को अलग करवाया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। आपको बता दें कि घटना स्थल से करीब 50 से 70 फीट की दूरी पर ही यातायात पुलिस की घूमती है, लेकिन पुलिस ने बाधित हो रहे यातायात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस दौरान आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि आवारा पशुओं के हमले से अब तक कई शहरवासी घायल भी हो चुके हैं। जब ऐसा मामला सामने आता है तो आनन फानन में नगर परिषद द्वारा पशुओं के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जाता है और मामला निपटते ही नगर परिषद मौन हो जाते हैं। शहर में आवारा पशुओं के आतंक के बारे में कई बार आमजन ने नगर परिषद को शिकायतें की हैं, लेकिन नगर परिषद द्वारा यही हवाला दिया जाता है कि आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये अभियान मात्र खाना पूर्ति ही नजर आ रहा है। शहरवासी आवारा पशुओं के आतंक से परेशान है, लेकिन नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। मूलाराम रेलवे पार्किंग बाड़मेर। अभी आवारा सांड को लेकर क्या मतलब तो उनको कितनी देर से लड़ रहे थे? आवारा सांड आधे घंटे तक लड़े, कई बच्चे छोटे छोटे गिर गए और कई टैक्सियों वाले की टूट फूट हुई और नगर परिषद की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये हर तीसरे दिन ऐसा होता है। नगर परिषद का कहना है कि आवारा पशुओं की धरपकड़ जारी है, उससे आपको कहीं लग रहा है कि कहीं नहीं, डेली होता है, डे और नाइट में डेली होता है। तो आपकी क्या मांग है नगर परिषद? आपकी नगर परिषद इनको आवारा पशुओं की धरपकड़ होनी चाहिए, लेकिन बातों में ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।